सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उन्हें डिटेन किया हुआ है और अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो चंडीगढ़ में सेक्टर 3 थाने के बाहर लगी हुई थी और अब पुलिस यहाँ पर सख्ती से सबको ये जो जगह है वो खाली करने के लिए कह रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्हें यहाँ से खदेड़ते हुए दूसरी ओर जाने के लिए कह रही है, क्योंकि चंडीगढ़ में जो धारा 144 है वो भी लगातार लागू हुई है और इसके लिए जो सभी कार्यकर्ता थे जो कि थाने के बाहर अपना जमावड़ा लगाकर बैठे हुए थे उन्हें यहाँ से पुलिस द्वारा आगे किया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम जो नेता है वो अभी भी हिरासत में लिए हुए हैं पुलिस के द्वारा। और सेक्टर 3 थाने पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कुमारी शैलजा, विवेक बंसल सहित तमाम जो विधायक हैं उन्हें हिरासत में लिया हुआ है, राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया और अंदर थाने में धरना देकर जो तमाम नेता है वो यहाँ पर बैठे हुए। तस्वीरें थाने के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी अंदर लगातार जारी है, तालियों के साथ और नारों के साथ अपना जो विरोध है वो कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर लगातार जता रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में दोनों ही गुटों के जो विधायक थे हरियाणा में वो शामिल रहे। भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदर्शन में नहीं शामिल हो पाए। विवेक बंसल ने बताया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन विधायक नीरज बंसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है, कुमारी शैलजा यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो लीडर्स हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि जब प्रदर्शन कर रहे थे तो बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें राजभवन से पहले ही रोक दिया गया और इसके बाद अब नारेबाजी लगातार जो लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस एमएलए गीता बुक्कल हैं वो भी अंदर नजर आ रही हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि तालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। पेगासस और जो फोन टैपिंग का पूरा मामला है जो संसद में पिछले 2 दिनों से लगातार गूंज रहा है, इसके विरोध में आज कांग्रेस प्रदेश भर में इस तरह के जो प्रदर्शन है वो कर रही है ताकि जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सके और इसे लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी। इसे लेकर हरियाणा में भी आज प्रदर्शन किया गया लेकिन इस प्रदर्शन में कामयाब नहीं हो पाए कांग्रेस के जो विधायक थे और राज्यपाल से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इससे पहले ही बैरिकेटिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया। जब कुमारी शैलजा से हम बातचीत कर रहे थे इस दौरान, बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम, हिरासत में लिया गया है कांग्रेस नेताओं को जो यहां पर पहुंचे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ पेगासस मामले को लेकर। साक्षी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई। साक्षी, क्या ये आप कोशिश हो सकती है कि एक बार बातचीत हो सके, चूंकि हिरासत में लोगों को ले लिया गया है, राजभवन तक नहीं कूच करने दिया गया, राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने दी गई, अब आगे क्या रणनीति रहेगी इनकी? हाँ जी मैम, साक्षी आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, अंदर आए हुए। चलिए ठीक है, जुड़ने की एक बार फिर कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हिरासत में लिया गया है कुमारी शैलजा, आपको तस्वीरों में नजर आएंगी, किरण चौधरी नजर आएंगी, गीता भुक्कल आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। शैलजा की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। हल्ला बोला जा रहा है पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस की तरफ से।